तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अग्निवीर की भर्ती फिर से होने वाली है और फिर से आपकी नोटिफिकेशन आ गई है। उम्र क्या रहने वाला है, ऑनलाइन डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरे जुड़े रहो। आपको जैसा कि पता चला होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे और जानते हैं कि क्या आपकी नोटिफिकेशन आई है। अगर आई है तो कब से ऑनलाइन होगी, अगर नहीं आई है तो कब से आएगी, ठीक है, और कैसे क्या होगा, क्या उम्र रहेगा इस बार, क्या एज रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है या फिर दौड़ होने वाला या फिर एज में बढ़ोतरी हुई है, वो सारा कुछ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं हम आ गए हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर और यहाँ पे देखेंगे अभी सबसे पहले कि क्या हमारी नोटिफिकेशन आई है। तो देख सकते हैं आप हमारे सामने कि अभी हम नोटिफिकेशन पे टैप कर रहे हैं और नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं अभी कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, अच्छे से देख सकते हैं अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन अब मैं बताऊँगा कि आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी और आपकी भर्ती कब होगी। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर बोले होंगे कि आपकी भर्ती आ गई है, तो जी नहीं दोस्तों, आपकी भर्ती अभी नहीं आई है। तो आपकी भर्ती कब आएगी सर, और आपकी भर्ती आएगी तो आपको तैयारी कैसे करना है, कब से करना है, क्या करना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि तैयारी शुरू कर दो। शुरू क्यों कर दो, क्योंकि आपकी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। तो रनिंग की भी तैयारी कर दो और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर दो। तो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ऑनलाइन क्या होगा सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इस बार भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा सबसे पहले। तो अब बात रही कि उम्र क्या रहने वाला है, एज, तो अभी भी एज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, ठीक है ना, एज में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 21 से मतलब 17.5 से 21 ये रहने वाला है एज, ठीक है। एज में भी अभी बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे चेंज हो गया, पर ऐसा चेंज अभी नहीं हुआ। अब नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगी, लेकिन जहां तक पता चल रहा है अभी कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात रही कि नोटिफिकेशन कब आएगी, तो नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन ARO ZRO PRO सबकी नोटिफिकेशन एक बार आती है, आपको भी पता है। तो नोटिफिकेशन कब आएगी, नोटिफिकेशन जब ये रिजल्ट जारी होगा, किसका, ये जो भर्ती हुआ है, जो भर्ती हुई है उसकी रिजल्ट जिस दिन जारी होगी, जिस दिन भी 15 अगस्त को जारी हो, 15 सितंबर को भी जारी हो, जिस दिन जारी हो उसका 15 दिन के 10 दिन के बाद, मतलब अगर मान के चले तो 15 अक्टूबर से पहले, अक्टूबर के महीने में हम लोग का 25 सितंबर के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन आप भरो, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है अब वो मैं बता दूँ। तो आपको पता है ना, जैसे रिजल्ट आएगा, अभी जैसे रिजल्ट आया नहीं, जिस दिन भी रिजल्ट आए उसके 15 दिन के बाद ही नोटिफिकेशन आ जाता है। पिछले साल भी आप देखे होंगे, पहला स्लॉट जो पहला बैच अग्निवीर का था उसका रिजल्ट आया, वो ज्वाइनिंग किए और तुरंत आ गया 15 दिन बाद, समझ रहे ना। तो वही अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वही नवंबर के लास्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये होगा, क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। और जनवरी फरवरी में आपका हो सकता है, क्या, फरवरी के महीने में फिजिकल हो सकता है। तो अभी से तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है उनसे पढ़िए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही होगा, इतना आपको याद रखना है ये बात को, ठीक है। अब मैं भी तैयारी किया था, आपको भी पता है। एक और बात मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि तैयारी कैसे करना है, कब से करना है, तो तैयारी अभी से करना है। जब तक आप भाई आप अभी से तैयारी नहीं करोगे ना, तब तक आपको फिजिकल में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। असर इस बार फिजिकल में कितना टाइम मिलेगा, फिजिकल में भी टाइम भरपूर मिल रहा है इस बार, ठीक है, 5:45 मिलेगा इस साल भी, ठीक है ना, और 5:45 मिलेगा एक्सलेंट 5:30 के अंदर जितने आएंगे उनको, और 5:31 से 5:45 तक जितने आएंगे उनको गुड में रखा जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट जो इस बार का है, वो रिजल्ट आपका कब आएगा, वो रिजल्ट आने वाला है आपका 10 दिन के अंदर में आ जाएगा रिजल्ट, और 10 दिन के अंदर आया उसका 15-20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एज के कैटेगरी वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ है, और जो नोटिफिकेशन आएगा वो ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर आएगा, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आपकी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, तो आप तैयारी शुरू
कर दो अभी से ही, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो भी सिलेक्शन हो पाएगा, बता रहा हूँ मैं भाई। क्योंकि अब थोड़ा आर्मी भी टफ हो गया है, रनिंग देखो रनिंग आसान हो गया है लेकिन एग्जाम टफ हो गया। एग्जाम क्यों टफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे कोई भरते हैं, पहले एग्जाम ही निकालोगे तब तो आप रनिंग के लिए क्वालिफाई करोगे। इसीलिए तैयारी शुरू कर दो, 100% सिलेक्शन होगा। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम कोई अच्छे बुक है, अब अच्छे अच्छे बुक है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप पढ़ सकते हो, जिसको पढ़ के पास हो सकते हो। तो मैं फिर से बता दूं कि रिजल्ट जिस दिन जारी होगा इस सेकेंड अग्निवीर बैच का, उसका 10 से 15 दिन बाद आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आर्मी न्यूज़ अपडेट के लिए और रनिंग नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।